गुलाब के लिए चीनी कितनी डालूं? थोड़ी सी शक्कर डालना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। जी ना अंकल। हीरा जी, सामान लेकर आओ। जी अच्छा, चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी बेटी, तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ? ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे, तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो, मैं उठाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये सामान उठाओ। लाओ, तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? तो समधी जी, जैसा आप कहें पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा लेते? हाँ हाँ पंडित जी, बोलिए कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर लेते। ठीक है, बहुत बेहतर। सुनो, हीरा जी कहाँ है? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस मां, बस एक और आ करो। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता मां, इतना तुम्हें जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। मां मां, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है, फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा क्या करने का। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी है, उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर, फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों है? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों? हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था, लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा, गौरी पढ़ना चाहती थी,
लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन जब दोनों स्कूल गए, स्टैंड अप, होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, हाथ आगे बढ़ाओ। किताबों के साथ हीरा की पढ़ाई लिखाई भी पानी में बह गई। जिस स्कूल में गौरी ने मार खाई थी, उस स्कूल से हीरा को नफरत हो गई। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। हीरा के साथ रहकर गौरी की पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये सोचकर ठाकुर काका ने गौरी को पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल में भेज दिया। हीरा और गौरी अलग हो गए, अलग अलग बड़े हुए। हीरा हमेशा उदास रहता था, मगर एक खुशी थी, गौरी हर शनिवार शहर से आती थी। शनिवार और इतवार, ये दो दिन हीरा के दिल को खुशियों से भर देती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, तो ना कैसे हो? ठीक हूँ, हल्का सा बुखार लग रहा है। अरे तो चलो डॉक्टर को। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आ दिखाओ। डॉक्टर साहब। क्या 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 आ यहाँ है? वहाँ क्या दिखाने को बोल रहे? अच्छा, तुम क्या समझते हो बिना आ जाने ही मैं डॉक्टर बन गए हूँ? अरे हम MBBS है, MBBS। उसे मुंह खोलने के लिए कहा। हल्का सा बुखार है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इंजेक्शन मत दीजिएगा, गोलियां दे दीजिए, इंजेक्शन देने से बहुत दर्द होगा। अरे छोटा सा इंजेक्शन है, दर्द नहीं होगा, आजकल बच्चे ले लेते हैं। प्लीज मेरी बात सुन, मेरी बात सुनिए, देखिए इंजेक्शन मत दीजिए, इसे बहुत दर्द होगा। ओके, यू गिव इंजेक्शन, यू गिव टैबलेट्स, यू गिव मेडिसिन, आई गो। अरे आई गो डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर मैं हूँ या तुम? नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं देखता हूँ मुझे दर्द होता है। ऐसा करिए मैडम, आज तुम तो गेट आउट। हीरा बाहर जाओ। अरे गौरी तुम्हें, प्लीज बाहर जाओ। चलो जाओ, ऐसे जाओ, जाओ ऐसे। हाँ, जा रहे जा रहे। गोली देना गोली। देखा, इंजेक्शन दे दिया उसे, हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन दे दिया उसे। हाँ, अरे कितना दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। थैंक्स। जाओ, देखो दर्द हो रहा है ना। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पूछने जा रहा हूँ, फिर कब आना है? चलो जाओ जाओ, आ जा मेरे। हाँ हाँ, जो चलो हो गया। हाँ जी, हाँ बताते हैं। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट है? हाँ। क्या टेस्ट? ये दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए कि इंजेक्शन देने से कितना दर्द होता है। हाँ बताने, बस और इंजेक्शन। आप पता चला दर्द क्या होता है? हर बात पे इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर, 8 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन दे दूं? नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स। खाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को ये। गांव वालों के साथ नौटंकी में हड़दंग मचाई, शहर जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में? एक बात कहूं, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। इस निकम्मे के साथ कौन लड़की ब्याह करेगी? आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़की घर में ही है। हाँ गौरी, पागल हो गई हो? हमने गौरी को पाला है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। गौरी हीरा से प्यार करती है। हाँ बाबूजी, हीरा भैया गौरी को बहुत पसंद करते हैं। आप तो जानते हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। फिर भी आपको यकीन ना हो तो खुद गौरी से पूछ लीजिए। हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी। अगर वो इस नालायक को चाहती है तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो।
आओ गौरी, आओ ना। दीदी ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मेरी शादी? हाँ, बाबूजी ने तुम्हारी शादी हीरा के साथ तय कर दी है। हीरा ने मन्नत मांगी थी कि अगर गौरी के साथ उसकी शादी तय हो जाए तो वो हर मंदिर की चौखट पर माथा टेकेगा और हर मूर्ति के चरणों में नारियल चढ़ाएगा। एक दिन हम नारियल के चढ़ावे के लिए मंदिर जा रहे थे तो देखा एक लड़की पानी में कूद गई। हीरा उस लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदा, उस लड़की को बाहर निकाला। वो लड़की कोई और नहीं, गौरी थी। गौरी, ये क्या हो गया तुम? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मैं मान लूं? क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम? जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी नाथ आश्रम में चली जाती। बस गौरी, बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम इनकी बात नहीं ढालोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझसे कह दी, पिताजी से कहती तो उनको दुख होता, सारी जिंदगी पछताती कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता, मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा, लेकिन तुम किसी की नजरों में गिरो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ गौरी, हीरा तुम्हारे रास्ते से हट।